इंदौर में सरियाम चाकूबाजी की वारदात करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। वहीं पुलिस बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने अपने चाचा गब्बर कुरैशी के साथ घर जा रही अल्फेश कुरैशी पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। बीच सड़क पर हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए थे। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर परदेसीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 सितम्बर की रात में परदेसीपुरा थाने के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर के एक चाकूबाजी हुई थी। इसमें एक आरोपी नामजद हुआ था, अमन बुंदेला, और कुछ वहाँ के घटनास्थल के फुटेज भी मिले थे। उसके आधार पर सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया था, और इसमें मतलब जो इन दोनों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही थी, घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इसके पीछे लगे हुए थी। और इसमें अमन बुंदेला सहित उसके दोनों जो साथी हैं, यस और एक और उसका साथी, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनके ऊपर एक बाउंड ओवर और अन्य जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। सर, वजह क्या सामने आई थी? वजह इसमें पूर्व में भी इन दोनों के बीच में जो इसमें पीड़ित है, फरियादी है और आरोपी है, उन दोनों के बीच में पहले भी एक घटना हुई थी, और उसी घटना की रंजिश से कार्य दूसरी घटना हुई। हाँ, इसमें जो पूरी कार्रवाई है वो कानूनी रूप से की गई है। बाउंड ओवर या अन्य जो मतलब इस केस के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई। सर, क्या अपराधियों पे पूर्व से भी प्रकरण दर्ज थे? सर, हाँ, ये इसमें जो अमन और इसका जो साथी ऐसे उसको पहले से भी मारपीट और अन्य अपराध पंजीबद्ध है।